तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है रंजित क्लासेस में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, ऊंचाई एवं दूरी के जो संभावित प्रश्न आने वाले हैं जैक बोर्ड में, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका सीरीज हम लोग पार्ट टू के तौर पे बना रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो पे आप लोगों को ऊंचाई एवं दूरी के 4 प्रश्न हल करके दिया था, जो की काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके जरूर से जरूर देखें और उससे बनाने की कोशिश करें, है कि नहीं सर। तो आज जो मेरे पास 2 मात्र क्वेश्चन बच चुका है, उस प्रश्न का हम लोग क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, और इन्हीं प्रश्नों से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्लीज आप दोनों वीडियोस को प्लीज मिस मत कीजिएगा, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। जो प्रश्न मेरे पास है बोल रहा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोल रहा सर, एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है कि नहीं सर। चलिए अकॉर्डिंग टू फिगर बनाते हैं सर। 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा क्वेश्चन में, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार क्या होता है सर, ये मीनार मान के चलते हैं, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन मतलब सर यहाँ पे मान लेते हैं छोटा सा, तो भवन के शिखर ये हो गया, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, ये वाला डिग्री आपके पास कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये हो गया, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर आपके पास, 60 डिग्री है, ठीक सर। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मतलब ये वाला मीनार की ऊंचाई हमें कितना दे दिया सर, 50 मीटर, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये भवन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, और साथ ही क्या बोल रहा है सर, दोनों भवनों, भवन तथा उसके बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक, मतलब ये वाला चीज थोड़ा सा, ठीक। चलिए तो हमें निकालना है सर, ये वाला पार्ट निकालना है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, और साथ में हमें क्या निकला, भवन तथा मीनार के बीच की दूरी भी निकालनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न था, प्रश्न किस प्रकार के था एक बार मैं फिर से आप लोगों को दोहरा देना चाहता हूं, और आपको बता भी देना चाहता हूं कि आप भी ऐसी क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करने से पहले जरूर से जरूर पढ़े। क्या बोल रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है सर, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है सर। फिर बोला कि भवन के शिखर से, मतलब सॉरी आपके पास भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री है, और जबकि आपके मीनार कितने ऊंचाई सर, 50 मीटर, तो हमें ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और भवन और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक सर। ये आपके पास 30 मीटर है। चलिए तो जैसा कि आप देखेंगे मैंने फिगर तैयार कर दिया, बस इसे नाम लिख दे, ए बी सी और डी है, ठीक सर। तो चलिए मेरे पास गिवन क्या है, आपके पास मेरे पास गिवन में क्या है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, कितनी है सर, 50 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना है सर, भवन की ऊंचाई हमें दे दिया गया है y मीटर मान के चले, ठीक सर। आपके पास फिर क्या है, थीटा आपके पास एक 30 डिग्री है, एंड थीटा 2 आपके पास कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री है, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं सर, x, ठीक है सर। चलिए हम लोगों ने दिया गया भी लिख लिया और हम लोगों ने पिक्चर भी ड्रॉ कर लिया, तो चलिए अब सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक सर। तो ट्राइंगल आप कुछ भी ट्राइंगल ले सकते हैं, आपके पास ट्राइंगल यहाँ पे ए बी सी है, आप ट्राइंगल डी सी बी भी ले सकते हैं, देखिए आपको याद है कि राइट ट्राइंगल लेना है, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, राइट ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी से लेते हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी से, तो आप देखिए यहाँ पे ये पी वाला पार्ट है और ये वाला ट्राइंगल में क्या आ रहा, बी पार्ट आ रहा, तो आपके पास क्या लगेगा सर, टेंशन टेन थीटा, थीटा मेरे पास कितना डिग्री सर, 2, तो पी अपॉन बी, तो टेन थीटा, थीटा 2 मेरे पास कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री है, पी का मान कितना सर मेरे पास, 50, और बी का मान मेरे पास कितना है सर, x है, ठीक है। टेन 60 डिग्री मान कितना होता है सर, √3, और उधर कितना सर, 50/x है, इसके नीचे कुछ नहीं कितना सर, 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, x into √3 बराबर कितना, 50, तो x बराबर कितना होगा सर, 50/√3, तो समीकरण क्या बन गया सर, 1 बन गया, ये आपके पास समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, और ट्राइंगल डी सी ई से, तो ट्राइंगल डी सी ई से मेरे पास क्या लग रहा है सर,
टेन थीटा ही लगे, जो कि ये वाला पार्ट पी, ये वाला पार्ट बी, तो टेन थीटा मेरे पास यहाँ पे कितना है सर, थीटा वन मान के चल रहे वन एंड पी बाय बी, तो टेन थीटा वन मेरे पास कितना डिग्री है, तीस डिग्री, एंड पी मेरे पास कितना है सर वाई, और बी मेरे पास कितना है सर एक्स, तो टेन तीस डिग्री का मान कितना होता है एक बटा रूट थ्री, तो वाई अपॉन एक्स कैची गुना करिए, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो एक्स गुना वाई रूट थ्री, ये क्या बन गया सर समीकरण दो बन गया। ठीक, अब देखें यहाँ पे समीकरण एक में हमें एक्स बराबर कितना सर पचास रूट, पचास बटा रूट थ्री, और यहाँ पे एक्स बराबर वाई रूट थ्री। अब क्या करते हैं सर कि एक्स का मान को किसी एक में रख देते हैं, चले तो एक्स का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, ठीक है सर, तो समीकरण एक में x का मान रख दें, तो समीकरण एक में x की जगह क्या रखेंगे सर y रूट थ्री, तो यहाँ पे y रूट थ्री बराबर मेरे पास कितना है सर, इधर देखिए 50 बटा रूट थ्री। अब देखिए यहां से आपका रूट थ्री है और ये y मल्टीप्लाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर 50 बटा रूट थ्री गुना रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा सर 50 बटा यहाँ पे रूट थ्री को रूट थ्री से गुना करेंगे कितना हो जाएगा तीन, तो y बराबर कितना आ गया सर 50 बटा तीन। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में मिला सकते हैं, आप पॉइंट में मिला सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन आप जब लाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा सर तीन पचास, तो कितना तीन एक तीन, पांच में से तीन दो, तीन छह अठारह, कितना बच गया दो, तो दो ऊपर और तीन नीचे, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 16 दो रूट थ्री मीटर। अब ये आपका आंसर आ गया सर ये भवन की ऊंचाई, तो बस यही चीज निकालने बोला था, तो आप इस तरह से प्रश्न को बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो प्लीज डोंट मिस दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिस ना करें, क्योंकि आपके इन्हीं प्रश्नों में से आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले, तो जो भी दोनों वीडियो बना उसको जरूर से जरूर देखें। चले अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन के इसका पार्ट टू पे चलते हैं, ठीक है सर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स देखें, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या बोल रहा है सर कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोल रहा है सर, भूमि के, हाँ भूमि के एक बिंदु से जिसका नाम दे दिया P बिंदु बोल दिया, और 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, ध्यान से सुने, बोला कि भूमि के एक बिंदु P से, तो चलिए भूमि का एक बिंदु को P मान लेते हैं, ठीक है सर, बोलता है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं, ये आपके पास 10 मीटर ऊंचा भवन, ठीक सर। अब बोल रहा कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहां से कितना डिग्री है आपके पास सर, आपके पास है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। फिर बोल रहा क्वेश्चन में भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, मतलब भवन के शिखर पर एक झंडा लगाया गया इस प्रकार से, ठीक है सर, और ये ऐसे लहर रहा। अब बोलता है उस झंडे के शिखर का, मतलब उसी बिंदु P से उन्नयन कोण अगर कितना डिग्री, थोड़ा सा ठीक है, चले सही बन गया। अब ये कोण कितना डिग्री दे दिया है आपके पास 45 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना डिग्री है सर 45 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रश्न में हमें निकालने बोल रहा ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें, मतलब ये झंडा है यहाँ से यहाँ तक का, इसका ऊंचाई हमको लंबाई ज्ञात करने बोल रहा, मतलब ये वाला आपके पास ध्वज का लंबाई ज्ञात करने बोल रहा, ठीक है सर, और इसके अलावा हमें कुछ भी ज्ञात नहीं करने बोल रहा, मतलब ये क्वेश्चन आपके पास क्या है एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा था सर कि आपके पास भूमि पे कोई बिंदु पी है और उस बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री सर 30 डिग्री बनाता है, और उसी भवन के शिखर पर क्या लगा हुआ एक झंडा लगा हुआ, अब उस झंडा से उसी बिंदु का कोण कितना डिग्री बना रहा उन्नयन कोण सर आपके पास 45 डिग्री, तो हमें ज्ञात करना है कि झंडा का ऊंचाई ज्ञात क्या होगा, मतलब ये कितना होगा, ठीक सर। तो चले यहां से यहां तक तो क्या मान लेते हैं सर वाई, और ये वाला पार्ट को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक सर। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दें, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी और ये वाला डी, तो आपको दिया गया क्या है गिवन क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, मतलब फ्लैग स्टेप की लंबाई एक्स मीटर, फिर तुम्हारे पास क्या है
भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है सर, आपके पास दो कोण है, थीटा 1 आपके पास 30 डिग्री है एंड थीटा 2 आपके पास 45 डिग्री है। ठीक है सर, अब चलिए सर सॉल्यूशन आगे करते हैं। तो मेरे पास ट्राइंगल कौन सा लेते हैं सर, ट्राइंगल आपके पास बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी से आपके पास क्या है सर, 10 का वैल्यू लगाएंगे। 10 आपके पास यहाँ थीटा कितना, थीटा मान 1 मान चुके हैं, थीटा 1 तो पी बटा बी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर पी का मान कितना 10 और बटा वाई। 10 30 डिग्री का मान कितना होता है सर आपके पास 1/√3 बटा 10/y। तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो y गुने 1/10√3 मतलब y इक्वल टू कितना सर 10√3 मीटर, समीकरण 1 हो गया। ठीक है सर, चलिए अब बड़े ट्राइंगल पे चलते हैं। अब ट्राइंगल कौन सा चलेंगे सर, ए सी और डी से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर 10। अब यहाँ पे कौन सा डिग्री बन रहा है, देखो 45 डिग्री, और 45 को क्या मान चले 10 थीटा 2, तो पी अपॉन बी, तो 10 थीटा 2 मेरे पास कितना देख 45 डिग्री, पी का मान मेरे पास कितना है सर 1+10 होगा क्योंकि पी यहां से यहां तक आ रहा था 1+10 और बी यहाँ पे कितना है सर वाई, 10 45 का मान 1 होता है, 1+10 बराबर वाई, तो वाई इक्वल टू 1+10 इक्वल टू, ये आपके पास समीकरण 2 बन गया। अब देखें यहाँ पे y का मान आपका 10√3 और यहाँ पर भी y, तो हम क्या करते हैं y का मान को रख देते हैं, तो y का मान किसी में भी रख के बना सकते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखे तो y का मान मेरे पास क्या है 10√3 बराबर आपके पास 1+10, तो इस 10 को इधर लाइए तो कितना 10√3 -10 इक्वल टू एक्स। ठीक है सर, अब यहां से 10 कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या बचेगा √3, बीच में -1 फिर 1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर 10√3 -1 मीटर। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो गया सर, इस प्रश्न का हल हो गया है कि नहीं सर। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो बस इन्हीं दो वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है, इन दो वीडियो को देखने के बाद आपको इतनी कॉन्फिडेंट आ जाएगी कि आप हाइट एंड डिस्टेंस के कोई भी प्रश्न को हल कर सकता है। इतना जान ले कि इन दोनों वीडियो के जो भी मैंने प्रश्न बताए आप लोगों को, इन प्रश्नों को छोड़कर कोई भी प्रश्न बाहर से आने वाले नहीं है। तो प्लीज गाइज आप लोग क्या करें, इन प्रश्न दोनों वीडियो को पूरा देखे और कंप्लीट देखे और अच्छा से देखे, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी क्या करें सर, शेयर जरूर से जरूर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी अच्छे रिजल्ट आए और अच्छा उनको मार्क्स मिल सके, है कि नहीं सर। तो चले अब हम लोग अपने वीडियो पे नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा इस टॉपिक से हटके रहेगा बट वो भी मैथ्स का ही रहेगा, है कि नहीं सर।
तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एमडिट क्लासेस में। और आज हम लोग एमडिट क्लासेस में अपने नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं, जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, जो कि सर हमारा क्या द्विघात समीकरण चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैक वाले, ये समझ लो। तो ये जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ही मेहनत से इस क्वेश्चन को तैयार किया है। आप इस क्वेश्चन को अगर आपने लगा लिया, इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, तो आपका जान लीजिए कि इससे कहीं भी क्वेश्चन आपके बाहर आने वाले नहीं है। तो प्लीज गाइस, आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, एकदम पूरा देखिए, ताकि आप लोगों के जो 5th नंबर के हाइट एंड डिस्टेंस के अलावा आपके द्विघात समीकरण जो क्वेश्चन है वो कैप्चर हो सके, है कि नहीं सर? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियोस की ओर। जैसा कि देखें कि क्या है सर द्विघात समीकरण, आपका टाइप टू टाइप के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि विविकतर प्रकृति मूल, ये जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 5th नंबर क्वेश्चन होते हैं, जो आपको विविकतर प्रकृति और मूल निकालने के लिए कहा जाता है कि नहीं सर? तो इन्हें कैसे बनाएं और कैसे इसे हल करें, और क्या स्टेप आप लोगों को भूलनी नहीं है, क्या आपको नहीं छोड़नी है कि नहीं सर? तो चलिए प्रश्न को लेकर समझते हैं। और ये जो प्रश्न है ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि मेरे पास 5 प्रश्न इस कागज पे, ठीक सर? तो एक प्रश्न है, क्या बोल रहा कि 2x² - 2√2 x + 1 = 0। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है बोल रहा है, विविकतर ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें और प्रकृति ज्ञात करना है, कौन सा? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है सर? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास प्रश्न किस प्रकार है, 2x² - 2√2 x + 1 = 0। इस प्रश्न में हमें क्या चीज निकालने बोला है सर, कि आपको विविकतर निकालने बोला है, दूसरा चीज आपको प्रकृति ज्ञात करने बोला है, और तीसरा चीज हमें क्या बोला है सर, मूल ज्ञात करना है, वो भी द्विघाती सूत्र के थ्रू ज्ञात करना है, ठीक सर? तो चले सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। तो चले देखिए, तो मेरे पास क्या है सर, सबसे पहले आपको एनी हाउ क्या लिखना है सर, ये एबीसी पता करना है। तो ए मेरे पास कितना हो जाएगा सर, 2। बी मेरे पास कितना हो जाएगा सर, -√2 एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 1। जैसा कि हम लोग को पता है कि d = b² - 4ac, तो b बराबर -√2² - 4a, a की जगह कितना सर, 2, और c की जगह में 1। अब यहाँ पे देखिए -√2, तो -√2 को 2 बार लिखे तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 × 2 = 4 और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा सर, 8 आ जाएगा, मतलब ये वाला कितना हल करके 8 आ गया, और 4 × 2 = 8, तो d बराबर मेरे पास कितना आ गया सर, 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि d = 0 आ गया, तो ये मेरे पास विविकतर निकल गया। अब हमें प्रकृति ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता है कि जब d = 0 होता है तो मूल क्या होता है सर, समान, या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बराबर बोलते हैं, तथा वास्तविक होगा, ठीक है सर? तो मूल की प्रकृति कैसी होगी, समान या बराबर तथा वास्तविक होगा। चलिए इसका आप मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विघाती सूत्र किसे बोलते हैं, -b + -√d बटा कितना होता है सर, 2a होता है, ठीक सर? चलिए, तो -b मेरे पास -b फॉर्मूला में -b का वैल्यू आपके पास 2√2, तो -√2 + -√d का वैल्यू कितना, 0 एंड 2, और a का वैल्यू आपके पास कितना है सर, 2 है, ठीक है? अब देखिए, तो x = माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2√2 + -√0 का वैल्यू कितना सर, 0 बटा आपके पास 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक? तो x = +√2, एक बार क्या करेंगे, +0/4, और एक बार इधर +√2 - 0/4। चले 0 को जोड़े, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर, 2√2/4, 2 × 2 = 2 × 2 = 4, तो आपके पास कितना हो जाएगा सर, x = √2/2, तो ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा सर, 2√2/4, तो 2 × 2 = 2 × 2 = 4, तो x = √2/2। ये क्या हो गया, दोनों हल तो आपके पास एकदम सेम टू सेम आ रहा है, x का वैल्यू एकदम सही, एकदम सही पहचाना आपने कि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ रहा है सर, आपका सेम आ रहा है। इट मीन्स सर कि आप यहाँ पे देखे d = 0, और हम लोगों ने मूल की प्रकृति कैसे बताया था कि सर मूल बराबर होंगे, तो ये जो मूल कहने का मतलब x का जो वैल्यू है वही बराबर आएंगे। जब कभी भी आपका d = 0 आएगा तो मूल कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, वो एक समान ही आएगा, ठीक सर? चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो हमारा दूसरा प्रश्न किस प्रकार है सर, देखिए ध्यान से, दूसरा प्रश्न हमारे इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब हमें इसे मूल ज्ञात करनी, तो देखिए ध्यान से, तो a इक्वल टू कितना 3, b इक्वल टू कितना माइनस 5 एंड c इक्वल टू कितना सर प्लस 2, ठीक है सर। चले तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना सर माइनस 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना सर 3 और c का मान कितना सर 2, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा, माइनस 4 ये 12, 12 दुनी 24, तो 25 में से 24 घटाएं कितना बचेगा सर 1, तो d का मान कितना आ गया सर 1 आ गया। जब कभी भी आपका d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं सर, मूल की प्रकृति कैसी होती है सर, d का मान 0 से बड़ा, तो मूल कैसा होगा, मूल असमान, क्या होगा सर, मूल असमान तथा वास्तविक होगा, क्या होगा सर, वास्तविक होगा। अब यहाँ पे मूल ज्ञात करें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता, चले तो x बराबर माइनस बी का वैल्यू मेरे पास माइनस, तो ब्रैकेट यूज करें, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू मेरे पास कितना सर 1 और बटा 2, a का मान कितना मेरे पास 3। चलिए यहाँ देखें तो x बराबर मेरे पास कितना माइनस माइनस प्लस, तो 5 और प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना हो जाता है सर 1 ही जब बराबर 2 या 6, तो आप यहां से x इंडिया पाकिस्तान करेंगे तो प्लस 1 बटा 6, यहां पे x बराबर प्लस 5 माइनस 1 बटा 6, तो 5 और 1 6, 6 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 5 में से घटा तो 4, 6 तो 2 दुनी 4, 2 या 6, तो x बराबर कितना सर 2 बटा 3। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का भी हल कर लिए।